ये है जी बच्चों का स्कूल रियाना वैस का, और ये रियाना वैस बैठे हैं साइकिल पे और हम जा रहे हैं नानो के घर। चलो चलो शाबाश, रोड भी क्लियर है। साइड क्रॉस कर लो, साइड क्रॉस कर लो। ये है जी हमारे शहर का इकलौता पार्क, लेकिन हब्स बहुत ज़्यादा है इसलिए पार्क तो नहीं जाना हमने, बस हम लोग अपने अम्मी के घर जा रहे हैं। चलो ये जगह जगह रुकते हैं मेरा वेट करने के लिए, क्योंकि मैं पीछे पैदल आ रही हूँ। तो ये है जी हमारा स्कूल रोड, मतलब जहाँ पे जिस स्कूल से हमने मैट्रिक किया है, और आगे नहर है और फिर वहाँ पे अम्मी का घर है। तो ये रोड है, ये सारा कुछ हमें बड़ा अच्छा लगता है, बचपन जो यहाँ गुजारा है हमने। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज है जी संडे, तो हम लोगों ने आज सुबह सुबह मतलब अम्मी के तक घर आना था, लेकिन रात आई आंधी, मैंने आपको दिखाया है पहले, तो उसने अच्छा खासा गंद डाला। फिर सुबह उठ के सफाई सुथराई की और फिर अम्मी के घर पहुँचे हम लोग। अब हमने यहाँ पे बनानी है जी आज कढ़ी, तो आप लोगों के साथ वो रेसिपी भी मैं शेयर करती हूँ। है तो सिंपल सी रेसिपी, लेकिन चलें हमने बनानी है, आपके साथ भी शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, सबको ही पसंद होती है कढ़ी पकौड़ा। काफ़ी नहीं फिर 3 चमचे। चलो भर दो। बस पीछे रख दो जागी बड़ी। तो ये जी मैं पुदीना काटती हूँ पकौड़ों में डालने के लिए, क्योंकि धनिया है नहीं और घर के पुदीने का मज़ा ही कुछ और है। नवैस को तो बस नाना के घर आके टीवी चाहिए होता है। ये है जी हमारा बचपन। ये देखें जी कितने मज़े से पक रही है कढ़ी। फाइनल लुक कढ़ी का,